ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 1910 वेरावल इंटरसिटी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज फैशल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं वेरावल से अहमदाबाद के लिए। ट्रेन है हमारी 19120 इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसे बोर्ड करने के लिए सुबह सुबह मैं पहुंच चुका हूं वेरावल रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और यहाँ पर जो ट्रेन खड़ी है वो है वेरावल से लेकर त्रिवेंद्रम जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। अभी तक ये नहीं पता चला है कि अहमदाबाद वाली कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। चलिए आगे चल के पता करने की कोशिश करते हैं और फिर उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन को बोर्ड करते हैं। तो वेरावल त्रिवेंद्रम वाली ट्रेन जो है वो यहाँ से, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल गई है। तो हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आने वाली है, मतलब यहाँ आएगी, लगेगी और हम उसे बोर्ड कर पाएंगे। चलिए जी, तो फाइनली लग गई हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और आज हम जर्नी करने वाले हैं इस ट्रेन के इसी चेयर कार में। और ये पहली बार है कि मैं ICF के इसी चेयर कार में ट्रैवल करने वाला हूँ। इंटीरियर भी आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पहले सीट ढूंढते हैं, 35 नंबर की सीट है ये, 35 विंडो साइड। तो अगर बात करें हमारी ट्रेन की ना, तो आपने इसके बोर्ड पे देखा होगा कि ये अहमदाबाद सोमनाथ इंटरसिटी एक्सप्रेस है, मतलब ये सोमनाथ तक जाती है। लेकिन फिलहाल में क्या है ना कि सोमनाथ रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो इस वजह से जितनी भी ट्रेन सोमनाथ की तरफ जाती है वो वेरावल पर शॉर्ट टर्मिनेट हो जाती है और वेरावल से ही शुरू होती है। खैर, अगर बात करें हमारी इस ट्रेन की, तो ट्रेन नंबर 19120 के टाइमिंग्स की, तो पहले मैं आपको बता दूं ये ट्रेन डेली एक्सप्रेस है, यानी आपको दोनों तरफ से डेली मिल जाएगी। वेरावल से हम निकलेंगे सुबह 7:25 पे और 16 होल्ट लेते हुए अहमदाबाद पहुंच जाएंगे शाम को 4:00। और ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय वेस्टर्न रेलवे। तो अगर बात करें इस ट्रेन के कोचेज और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में सिर्फ 2 तरह के कोच लगते हैं। एक ही AC चेयर कार का जो कोच है वो, और बाकी जितने भी कोचेज है वो सारे सेकंड सीटिंग यानी जनरल के हैं। जो सेकंड सीटिंग यानी जनरल के कोचेज है उसकी टिकट ऑनलाइन बुक नहीं हो सकती है, तो वो आपको स्टेशन पर आके ही परचेस करनी पड़ेगी। और AC चेयर कार की जो कॉस्ट है वेरावल से अहमदाबाद की फुल कॉस्ट वो है 580 रुपये। इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है, तो खाने पीने के लिए वेंडर्स जो है वो आएंगे तो उनसे ले सकते हैं आप, या तो फिर आपको प्लेटफॉर्म से कुछ परचेस करना होगा, क्योंकि ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है तो पेंट्री कार्ड से कुछ नहीं मिलने वाला। और लोकोमोटिव लगा हुआ है हमारी ट्रेन में साबरमती लोको शेड का WDP-4D, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को हॉल करने वाला है। चलिए जी, तो लोकोमोटिव आपने देख लिया, ट्रेन के बारे में हमने बात कर ली, तो फटाफट चलते हैं हमारे कोच के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से 85% लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स, मेरे ट्रैवल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसीडर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे सीधा डिपार्चर पर। चलिए दोस्तों, तो वक्त हो चुका है सुबह के 7:25 और हम निकल चुके हैं वेरावल जंक्शन से। तो अब 432 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 8:35 में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आर एंड मैक्स परमिसेबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर।
चलिए जी, तो अब आपको दिखाते हैं ICF कोच के AC चेयर कार का इंटीरियर। तो सामने जो है वो आपको ये ट्रे मिल जाएगी जिस पर खाना वाना रख कर आप खा सकते हैं। यहाँ पे एक पाउच होता है जो LHB कोच में होता है, इसमें नहीं है वो पाउच की जगह पर। यहाँ पर बोतल होल्डर की तरह से ये थैली है। लेग रेस्ट, आपको लेग रेस्ट करने के लिए बहुत लंबा होना पड़ेगा और लेग रूम काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको कोजी सा नहीं लगेगा लेकिन रेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको पैर जो है वो नीचे ही रखने पड़ेंगे। खैर आगे बढ़ें तो हैंड रेस्ट जो है वो यहाँ पर है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बैक रेस्ट को अगर आपको एडजस्ट करना है तो इसे पुल करके आपको इसे पीछे धक्का करना होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, जो कि अभी हो नहीं रहा है क्योंकि जैम हो चुका है। और जो आगे की सीट का हैंड रेस्ट है वो यहाँ तक आ चुका है, तो उसको उसकी जगह पर पहुँचा देते पहले, बढ़िया। और साथ में यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। ऊपर आपको ये जो रेक्स है सामान रखने के लिए वो है। फैन जो है वो अवेलेबल होगा, इवन तो AC चेयर का है फिर भी AC के जो वेंट्स है वो यहाँ पर है। और लाइट्स बीच में है, यहाँ पर कहीं पे भी आपको LED रीडिंग लाइट्स नहीं देखने को मिलेंगी, वो जो है वो चेन पुल करने के लिए, जो कि कभी करना नहीं चाहिए अगर कोई भी वैलिड रीज़न ना हो तो ऐसा सा कुछ है। और जो सीटिंग कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 3x2 का। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के तीसरे होल्ड, जो कि है केशोद रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड KST। ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे के भावनगर डिवीजन के द्वारा। यहां से कोई भी ट्रेन ना ही कोई ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है, और यहां पर 22 ट्रेनों का हॉल्ट ज़रूर होता है। और केशोद को जाना जाता है छगड़ो रिक्शा जो होती है उसके मैन्युफैक्चर के लिए, बिकॉज यहां पर कई बड़े पैमाने पर छगड़ो रिक्शा जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। केशोद रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 1 मिनट का होल्ड था और हमारी ट्रेन भी फिलहाल में 5 मिनट लेट भी चल रही है, तो इसीलिए तुरंत ही डिपार्चर मिल गया हमें केशोद से। अब देखिए इस पूरी जर्नी में हम टोटल 16 होल्ड लेने वाले हैं और मैं सारे के सारे होल्ड तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो इसी वजह से जो मेजर स्टेशन है जहाँ पर ये ट्रेन ज़्यादा देर रुकने वाली है वो सारे स्टेशन मैं आपको बताता चलूँगा। तब हम पहुंच चुके हैं जूनागढ़ जंक्शन, स्टेशन कोड JND, और इस रेलवे स्टेशन पर आपको 5 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो सुबह के 8:46 का था, अभी हमारी ट्रेन 3 मिनट लेट सुबह 6:49 पर पहुंच चुकी है। यहां से 2 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 26 ट्रेन का यहां पर हॉल्ट होता है। और जूनागढ़ को जाना जाता है यहाँ की जो गिरनार पर्वतमाला है उसके लिए, और साथ ही साथ अगर आप गिर फॉरेस्ट जाना चाहते हैं तो ये गेटवे होता है, यानी यहाँ से वो फॉरेस्ट जो है वो शुरू होता है। तो अगर आप विज़िट करना चाहें तो ये सारी जगहें ज़रूर से विज़िट कीजिएगा, यहाँ पर आपको कई सारे महल वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और जूनागढ़ 2 गुजराती वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है, जिसमें जूना का मतलब होता है पुराना यानी ओल्ड, और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट यानी किला, तो पुराना किला कह लो या फिर ओल्ड फोर्ट। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं जैतलसर जंक्शन, स्टेशन कोड JLR, और जैतलसर जंक्शन पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था सुबह 9:20 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन 15 मिनट लेट है, सुबह 9:35 पर जैतलसर जंक्शन पहुंची है। जैतलसर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन से भी हम आए हैं दैट इज फ्रॉम जूनागढ़, उसके अलावा यहां से एक लाइन पोरबंदर की ओर चली जाती है और राजकोट की तरफ तो लाइन है ही जो आगे हम चलने वाले हैं। देखिए सुबह ब्रेकफास्ट के लिए अभी तक कोई भी वेंडर ट्रेन में आया नहीं है, ना ही AC चेयर कार में, और जनरल में भी कोई दिखा नहीं है, तो
वेंडर तो आएंगे नहीं, आपको प्लेटफॉर्म से ही लेना पड़ेगा। कोई बड़े स्टेशन होंगे तो वहीं पे आपको खाना जो है वो मिल जाएगा स्टेशन पे भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो अभी फिलहाल में जिस स्टेशन पे हम रुके हैं ना वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा दिखने को मिल नहीं रहा है। और जैतलसर जंक्शन पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है, बिकॉज ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर आपको 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है और 26 ट्रेन यहाँ पर होल्ट लेती है। बट आप ये स्टेशन की वाइब देखिए, बिल्कुल शांत, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाला और प्लेटफॉर्म पर पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे रेलवे स्टेशन ना काफ़ी अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। तो अपने तय समय से 20 मिनट लेट अभी हम निकल रहे हैं जैतलसर जंक्शन से। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर और आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम पहुंच चुके हैं राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आने वाले गोंडल स्टेशन, कोड GND। आप चलते हैं थोड़ी देर आगे और जनरल में सफ़र करके देखते हैं कि कैसी रहती है जर्नी। वैसे मैं इस ट्रेन में जनरल में सफ़र ऑलरेडी कर चुका हूं, बट उसका व्लॉग मैंने कोविड के टाइम पे बनाया था। तो अब थोड़ी देर बैठते हैं जनरल में, आगे जर्नी करते हैं। और भाई साहब इस ट्रेन में ना चाय मिल रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट टी दैट आई एवर हैड इन ट्रेन, बिकॉज भाई साहब बहुत प्यारा टेस्ट था उस चाय का, इलायची वाली चाय थी। चलिए सिर्फ 1 मिनट का होल्ड था, गोंडल पे निकलते हैं। चलिए तो अब आपको सैर कराते हैं जनरल कोच की और दिखाते हैं कैसा है माहौल, कितनी है पब्लिक। दिस इज रियल इंडिया, दिस इज रूरल इंडिया। खाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है जनरल में। यूजुअली जैसे देखा जाता है भीड़ भड़कने वाला जनरल, वैसा नहीं है। तो जी वेरावल से 185 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं राजकोट जंक्शन, स्टेशन कोड RJT। राजकोट जंक्शन वेस्टर्न रेलवे जोन का एक डिविजनल हेडक्वार्टर है और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉर विरमगाम, जहां से अभी हम आए हैं दैट इज़ फ्रॉम सोमनाथ, और एक लाइन आती है ओखा की तरफ से जिस पर हमारी जो जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चलती है। यहां पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट और तय समय से 15 मिनट बिफोर हम लोग राजकोट जंक्शन पहुँच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट के लिए अगर कुछ मिलता है तो, बिकॉज राजकोट पर खाने पीने की चीज़ें बढ़िया मिलती है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और उसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैंने लिया है ये खमण, 2 समोसे और चाय। चलिए जी तो बिल्कुल अपने तय समय 11:20 पर हम लोग राजकोट जंक्शन से भी निकल रहे हैं। बात करूं जो नाश्ता हमने लिया है ना, दोनों ही चीज़ का टेस्ट बहुत बढ़िया है। वो चाय भी गर्मा गर्म और इलायची वाली टेस्ट वाली चाय है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है राजकोट अभी तक जितनी बार में मैंने ट्रैवल किया है, खाना बहुत बढ़िया मिला। ये टोटल सब मिला कि इसकी जो कॉस्ट रही वो 80 रुपीज़ रही है। और आप स्टफिंग देखिए समोसों में, बढ़िया सी स्टफिंग है, केचप है एंड वी हैव खमण। अब कुछ लोग ढोकला और खमण में कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो ऐसा स्पॉन्जी होता है ना वो होता है खमण, और थोड़ा सा वो हार्ड होता है वो होता है ढोकला। थैंक यू लेटर।
अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो और आपको दोनों तरफ अगर विंडमिल्स देखने को मिल जाए ना, तो समझ जाओ कि आप वांकानेर पहुंचने वाले हो। तो भाई साहब, अब बजने वाले हैं दोपहर के 12 और हम पहुंच चुके हैं वांकानेर जंक्शन, स्टेशन कोड WKR। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1890 में। वांकानेर की अगर बात करें तो यहाँ के दो पैलेस गेस्ट हाउस बहुत फेमस है, एक है रॉयल ओएसिस और एक है रॉयल रेसिडेंसी। तो अगर आप वांकानेर विजिट करते हैं तो ये दो जो पैलेस होटल्स है वो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, वहाँ पर जाना, विजिट करना ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था उससे सिर्फ एक मिनट लेट हम लोग वांकानेर जंक्शन पहुँच चुके हैं। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मालिया मियाना की तरफ गई हुई है और बाकी जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं वो तो है ही। खैर, यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का होल्ट होने वाला है, तो अगर कोई वांकानेर से ये व्लॉग देख रहा है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और स्टेशन पर ना आपको ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। खैर, वांकानेर को है ना पहले झालावाड़ के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये एक किसी ज़माने में प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसे झालावाड़ राजपूत जो है वो रूल करते थे, तो इसी वजह से झालावाड़ भी नाम इस जगह का रह चुका है। तो दोस्तों, वेरावल से 300 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सुरेंद्रनगर जंक्शन, स्टेशन कोड SUNR, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1872 में। सुरेंद्रनगर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहां से एक लाइन बोटाद की ओर जाती है और एक लाइन चली जाती है भावनगर की ओर, और जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं दैट इज़ विरमगाम और राजकोट वाली लाइन। सुरेंद्रनगर पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था दोपहर के 1:07 का था और हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम दोपहर 1:07 पर पहुंची और सिर्फ 2 मिनट का होल्ट होने वाला है। सुरेंद्रनगर को जाना जाता है यहाँ के क्वालिटी कॉटन के लिए और हमारी ट्रेन सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट रुकने वाली है। तो जैसे मैंने बोला था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ICF के AC चेयर कार वाले कोच में ट्रैवल करने का। मेरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ही है, बट जो ICF में ट्रेन हिलती है वो हिल रही है और बाहर का कोई नॉइज़ नहीं आ रहा है। हाँ, जो सीट है वो लेदर कवर होने की वजह से इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितनी बाकी हमारी जो शताब्दी एक्सप्रेस होती है जिसमें सॉफ्ट मटेरियल होता है। खैर, अगर आपने कभी ICF वाला कोच जो मतलब AC चेयर कार वाला है उसमें ट्रैवल किया हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पहले के ज़माने में शताब्दी एक्सप्रेस या जितनी भी AC चेयर कार थी ना उन सभी में इसी तरह के कोच यूज़ होते थे। तो अगर आपने ट्रैवल किया है और आपका एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, अभी बजने वाले हैं दोपहर के 2:30 और हम पहुंच चुके हैं विरमगाम जंक्शन, स्टेशन कोड VG। ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे जोन के अहमदाबाद डिवीजन के द्वारा, मतलब राजकोट डिवीजन से निकलकर अब हम एंटर कर चुके हैं अहमदाबाद डिवीजन के अंदर। यहाँ पर पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था दोपहर को 2:20 का था, लेकिन हमारी ट्रेन फिलहाल में 3 मिनट बिफोर ही पहुंच चुकी है और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट होने वाला है। विरमगाम को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं उसके अलावा एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाती है मेहसाणा की ओर और एक लाइन आती है गांधीधाम की ओर से, तो इसी वजह से विरमगाम को जंक्शन कहा जाता है। विरमगाम जंक्शन रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1871 में। यहाँ पर आपको 5 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 118 ट्रेन का यहाँ पर होल्ट होता है। और खाने पीने के लिए आपको स्टेशन पर सारे प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिल जाएगी। यहाँ पर स्टॉल जो है वो मिल जाएंगे जहाँ पर से आप कुछ भी फास्ट फूड ले सकते हैं या अगर आपको ब्रेड पकौड़ा, समोसा वगैरह ये सब लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आप विरमगाम विजिट कर रहे हैं ना तो यहाँ का मुनसर लेक आप विजिट कर सकते हैं जो कि काफ़ी फेमस है।
ऑल राइट दोस्तों, तो 432 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से सिर्फ 8 मिनट लेट हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन, स्टेशन कोड ADI। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बस चलिए, चलता हूँ मैं अहमदाबाद जंक्शन के बाहर और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैशल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।